दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का लगातार प्रदर्शन जारी है। ऐसे में कई राजनीतिक पार्टियों के साथ लोग भी अपना समर्थन अलग अलग तरीके से दे रहे हैं। कोई तो आंदोलन में किसानों के साथ बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, तो कोई किसानों को खाने पीने का सामान दान देकर अपना समर्थन दे रहा है। ऐसे में एक शख्स है जो अलग ही अंदाज में किसानों को समर्थन देने गाजीपुर बॉर्डर तक पहुंचा। बागपत के खिगड़ा गांव का रहने वाला मोनू डागर दौड़ लगाकर किसानों का समर्थन देने गाजीपुर बॉर्डर तक पहुंचा। ये कोई मामूली दौड़ नहीं थी। बागपत से गाजीपुर यानी 45 किलोमीटर मोनू डागर को बिना रुके दौड़ना था और इसके लिए उसे 5 किलो बादाम और 5100 रुपए भी मिले। दरअसल हुआ ये कि मोनू की गांव में दूसरे लड़कों के साथ शर्त लग गई थी, जिसके कारण उसने रविवार को सुबह 11 बजे से दौड़ना शुरू किया और शाम 4 बजे बॉर्डर तक पहुंचा। हालांकि लगातार दौड़ने से मोनू की तबीयत बिगड़ गई। मोनू जैसे ही बॉर्डर तक पहुंचा, उसे तुरंत बॉर्डर स्थित एक मेडिकल कैंप में ले जाया गया और आराम करने की जगह दी गई। इस दौड़ में मोनू का साथ उसके दोस्तों ने भी दिया। दोस्तों बीच बीच में बाइक पर बैठते रहे, लेकिन मोनू लगातार दौड़ता रहा। बॉर्डर पर पहुंचे मोनू डागर का कहना है कि किसानों का समर्थन करने के लिए मैंने ये दौड़ जीती है।